हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एवन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए मैथ्स और अकाउंट्स की वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर आपको मैथ्स या अकाउंट्स से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम प्लस वन क्लास का जर्नल एंट्रीज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट्स अपलोडेड हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वो 3 पार्ट्स में हमने डिस्काउंट तक किया था। आज हम 4th पार्ट में करेंगे रिसिप्ट्स पेमेंट्स ऑन नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट। मींस जब नॉमिनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी रिसिप्ट या पेमेंट होगी तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, हमने इसमें ये सीखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि नॉमिनल अकाउंट जो है वो किससे रिलेटेड होता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कि जो नॉमिनल अकाउंट है वो हमारा इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, इनकम और गेन, एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेटेड होता है। ओके, और इसका रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जर्नल एंट्रीज के लिए आपको रूल्स याद होना जरूरी है। ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है कि किस चीज को हमने डेबिट करना और किस चीज को क्रेडिट करना। तो यहाँ पे मैं क्या दिया, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मीन्स जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे या लॉस होंगे उसको हमने क्या करना है, डेबिट करना है, और जितने भी हमारे इनकम्स होंगे या गेन्स होंगे उसको हमने क्रेडिट करना है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब सेकंड हमारा इसमें क्या दिया हुआ है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्संस। ठीक है, एंड विच सेज दैट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट हमारा क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर मीन्स जो रिसीव कर रहा है उसको हमने डेबिट करना है, और जो गिवर है मीन्स जो दे रहा है उसको हमने क्रेडिट करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ एंट्रीज कर लेते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे पेड रुपीज 10,000 टू लवलीन। फर्स्ट एंट्री हमें क्या दी हुई है कि हमने लवलीन को 10,000 रुपीज पे किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कोई एक्सपेंसेस लॉसेस का नेम तो नहीं दिया हुआ कि हाँ वो क्या है, हमारी सैलरीज है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, ऐसा कोई भी नेम नहीं दिया। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ पर्सन। तो लवलीन क्या है, रिसीवर है। ठीक है, यहाँ पे इसको पेमेंट मिल रही है मीन्स ये रिसीव कर रही है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लवलीन को डेबिट कर देना है। लवलीन डेबिट टू कैश, क्योंकि ये पेमेंट किससे होगी, कैश से, टू कैश अकाउंट। कितनी पेमेंट करनी है हमने, 10,000 रुपीज, और इसकी आपने नरेशन भी लिख देनी है, बीइंग अमाउंट पेड टू लवलीन। ये तो हमारा केस था कि जब हमें नेम ऑफ एक्सपेंसेस नहीं दिए होंगे। ठीक है, दूसरा हमारा सेम, हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, पेड रुपीज 10,000 टू लवलीन फॉर सैलरी। मीन्स लवलीन को हमने 10,000 रुपीज पे किए हैं, क्यों पे किए हैं, फॉर सैलरी। मीन्स हम उसको एज ए सैलरी 10,000 रुपीज दे रहे हैं, तो जब हमें नेम ऑफ एक्सपेंस दिया होगा तो हमने लवलीन को नहीं लिखना। ठीक है, मीन्स हम पर्सनल अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, उसकी जगह हम नेम ऑफ एक्सपेंस हमें क्या दिया हुआ है, सैलरी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारी, 10,000। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने नरेशन लिख देनी है, बीइंग सैलरी पेड टू लवली। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता लग गया होगा आपको कि इन दोनों एंट्रीज में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये तो हमारी पेमेंट थी, अब हमने रिसिप्ट देखनी है कि जब हमें रिसिप्ट दी होंगी तो हम क्या करेंगे। ठीक है, रिसीव्ड
रुपीज 20,000 फ्रॉम नंदिनी, मीन्स नंदिनी से हमें 20,000 रुपीज रिसीव हुए हैं। बट यहाँ पे देखो हमें क्या, हमें पता नहीं लग रहा, मीन्स नेम नहीं दिया कि ये कौन सी इनकम या गेन है हमारा, ठीक है। पेमेंट तो हमें रिसीव हो रही है बट हमें नेम ऑफ इनकम हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे जो हमारा नंदिनी है वो क्या पर्सनल अकाउंट है और ये कौन है, गिवर है, क्योंकि ये दे रही है तो हमने क्या करना है, क्रेडिट द गिवर। जब हम कुछ रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू नंदिनी, ठीक है। अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारी, 20,000। नरेशन में आप लिख दोगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नंदिनी। अब देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ जर्नल एंट्री हमारे पास है, रिसीव्ड रुपीज 20,000 फ्रॉम नंदिनी received rupees 20,000 from Nandini for interest means हमें नंदिनी से 20,000 rupees receive हुए हैं। क्यों receive हुए हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, interest है। means यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि name of receipt क्या, means किस लिए ये payment हमें receive हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cash account debit, क्योंकि cash हमारे पास आ रहा है, to हमने नंदिनी का name नहीं लिखना, क्या लिखना है, interest account। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 20,000। दोनों में सेम ही प्रोसेस था, बस वो हमारी पेमेंट थी और ये हमारी रिसिप्ट थी। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपने नरेशन लिख देनी है, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम नंदिनी, ठीक है। आई होप आपको ये जर्नल एंट्रीज समझ आ गई होंगी, ये पार्ट समझ आ गया होगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, हमें कब उसका नेम यूज करना है और कब हमें मीन्स एक्सपेंसेस और इनकम्स के नेम यूज करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।